अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारे YouTube चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। मैं हूं ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7th कश्मीरी चैप्टर नंबर 10 यज़म नाव छ म्यूनी वतन मुबारक। ये एक नज़म है जिसके लिखने वाले हैं अब्दुल अहद आजाद सर। अब्दुल अहद आजाद के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो वो एक इनकलाबी शायर माने जाते थे और बहुत उम्दा शायरी जो था उनका मिजाज। तो आज के इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे इनकी लिखी हुई एक नज़म और जो कि वतन कश्मीर के बारे में लिखी गई है। तो आज के लेसन में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले की वीडियोज जो भी अगर आपने नहीं देखे हो तो चैनल को आप विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस जो अभी तक अपलोडेड है वो आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो। ये जो चैप्टर नंबर 10 म्यूनी वतन मुबारक, गुड़नेच के मुश्किल अल्फाज। तो पहले कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। रोशे रोशे गो रूशित बिहुन, यानी कि किसी से रूठ के बैठ जाना। त्रेश हित, त्रेश हितन या त्रेश हित एक्चुअली तुम लोग आसन जिनको प्यास लगी हुई हो, त्रेश हित के तुम। दाए, अगर देखा जब नया बच्चा पैदा होता है जो पहली बार औरत उसे हाथ में लेती है, ठीक है, तो उसे उसकी दाए कहा जाता है। तो क्यों ये पुरुष बना दाए तक। खुबे वतन को वतनुक मोहब्बत, फर्श मखमल को मखमलुक फरश त्राओ या मखमलुक फरश आसन। तो चलो करो वो शुरुआत चैप्टर्स। तोशन क्या पोषण म्यूनी वतन मुबारक, किरतोस रोश रोशे पोशे वतन मुबारक। तोशन क्या यानी कि खूबसूरत क्या, ठीक है, खूबसूरत कितना है, किसकी वजह से यहाँ की वतन की खूबसूरती के बारे में कहा जाता है कि तोशन क्या पोषण म्यूनी वतन मुबारक, यानी कि कितनी खूबसूरती है हमारे इस वतन में, किसकी वजह से, फूलों की वजह से, ठीक है, खूबसूरत दिखना। करतोस रोश रोश है पोषण वतन मुबारक, ठीक है। तो यहां पे फिर से वतन के बारे में कहा जा रहा है, इसकी खूबसूरती के बारे में कहा जा रहा है कि करतोस रोश रोश है पोषण वतन, पोषे वतन मुबारक, ठीक है, कि हमें एक्चुअल में वतन की मोहब्बत जो है वो जरूरी है और ये ईमान का एक हिस्सा भी है कि वतन की मोहब्बत होना जरूरी है। तो चाहे आप रूठे हुए हों, चाहे आपका मूड कैसा भी हो, तो किसी भी हाल में जो वतन है, वतन हमारे लिए मुबारक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुबारक मुबारक काफिया शुभमुद यूज। दुयम शाह से सब्जार फर्श मखमल वुथरन शुहिल कुलंतल मरगन नैरंत डायरन वायरन वनन मुबारक। सब्जार फर्श मखमल यशु वनन के हमारा जो वतन है, यहाँ पे जो खिला हुआ घास है, यहाँ पे जो सब्जार है, वो जैसे फर्श मखमल है, वो जैसे मखमल का बिछा हुआ फर्श है। वतरन को बिस्तर शहर कुलंतल, और ये सायादार दरख्तों के नीचे एक बिस्तर सा बिछा हुआ है। मरग गए जीर्त बुड मोदन नयन नयन गए तुम मोदन, ये मन मस तीर वीर चासा रश्न नवान, ठीक है, यानी कि जिनमें वो जानवर रखे जाते हैं। तो डायरन डायर के खुशक डलवान जमीन, ठीक, या से अकर तुम जाए ते मेहनत, यमन मस चार वैश अमान रश्न बाकी चीज। तो वायरन वायर से तुम जाए, यमन मस सब्जी वब्जी से अमान वापदावन, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वनन मुबारक, तो ये के मोदान, तो नयन मैंने आपको बताया कि ये भी बड़े बड़े मैदान होते हैं और ये बहुत पहाड़ों में होते हैं, ऊंची ऊंची जगहों पर होते हैं, यमन मस तीर वीर से अमान रश्न। तो डायरन तो वायरन यानी कि यहाँ के हर चीज, यहाँ के मैदान, यहाँ की डलवान, यहाँ के पहाड़, यहाँ की हर जगह मुबारक है और खूबसूरत है। छस बगरा मोहब्बत बुलबुल कुमिर करानगत, छस बगरा मोहब्बत बुलबुल, इस वतन के हर एक बाग में आपको एक परिंदा दिखेगा जिसका नाम बुलबुल है। और बुलबुल का पहचान भी क्या है कि ये यहां मोहब्बत फैलाती है, इस वतन की हर चीज में आपको मोहब्बत दिखेगी। कुमिर करानगत इसे आसान अक जानवर, ये एक ऐसा जानवर होता है जो सुबह सवेरे ही स्टार्ट हो जाता है बोलना। तो यहाँ पे ये है कि पूरे हमारे जो जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो पूरी जम्मू कश्मीर में जानवर है और ये एक ऐसा जानवर है जो सुबह सवेरे उठ जाता है और अपनी बोली से अपनी आवाज से लोगों को जगाता है और इधर उधर घूमता है। चस प्या लिहत अतंकित पोशे चमन मुबारक,
ठीक है। और हर जगह पे अगर आप देखोगे प्याल हैथ अथन कित पोशे चमन मुबारक, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ की जो मेहमान नवाजी है वो भी बहुत जबरदस्त है। प्याल हैथ अथन कित पोशे चमन मुबारक, यहाँ पे जो फूल हैं हर जगह पे अगर देखोगे तो बहुत खूबसूरत एक समा एक मंजर बांधते हैं। प्रथ तरफ जोय लारान आयर कनन छान प्रथ जाय नाग प्रारा त्रेश हतन मुबारक। प्रथ तरफ जोय लारान, जोय से आसान ये छोटे छोटे नाग होते हैं जो पानी बहता है छोटी छोटी जगहों से निकलता हुआ पानी। आयर कनन गे इम शासन तुम गोल पत्थर होते हैं और जब इनके बीच में से पानी बहता है तो वो एक अलग ही एक सुरीली जो है आवाज देता है। प्रथ जय नाग प्रारंभ त्रेश हतन मुबारक, आप जम्मू कश्मीर के किसी भी इलाके में विजिट करें तो आपको हर जगह नाग या पानी बहता हुआ जो है वो मिल जाएगा और आप कहीं पे भी अपनी प्यास जो है वो बुझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यम पोश लंज ग्राय मारान किम आए, यहां पे देखो यम पोश लंज ग्राय मारान किम आए हो करान दाए जनमोस मन मुबारक। यहां पे अगर हर एक फूल की टहनी की हम बात करें, हर एक फूल की डाली की हम बात करें तो इधर से उधर घूम रही है हवा के इस जुमे से, जो हवा का ये झुंड आता है उसकी वजह से हर जगह घूम रही है और ग्राय मारान को ओवर यूर फेरू, ठीक है। तो हो करान दाए जन च आसान तिथ पट ललवान शुरस, इथ पट अख दाए च ललवान शुरस एकस खनस मन खुन मन, ठीक। तो जैसे एक बच्चे को हम जब उठाते हैं लोरी बनाते हुए हम उसे हिलाते हैं तो इस तरह से यहाँ के हर एक मैदान में आपको ये हिलते हुए फूल जो है वो मिल जाएंगे। वही तो मोहब्बत ब्योल बरतोस माइत लोल लोलन अंदर च बुढ़ लोल खुबे मुतवतन मुबारक। वही तो मोहब्बत ब्योल, ये तो लोकन को नसीहत करा अब्दुल अहद आजाद कि हर जगह प्यार और मोहब्बत के बीज बोए जाएं और हर जगह प्यार और मोहब्बत हो, यानी कि लोगों से भी मुराद है कि अगर हमारा वतन इतना खूबसूरत है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस वतन में अपनी जान निसार करें और इस वतन की खूबसूरती के लिए मोहब्बत जो इस वतन में है वो हर जगह दिखाई दे। लोलन अंदर से बुढ़ लोल, और इस सब में से बड़ी जो मोहब्बत है वो वतन की मोहब्बत है, खुबे वतन को अपने वतन की मोहब्बत होना। आजाद, आजाद उस तखलुस यसन कशर पर, जैसे तखलुस उर्दू में बताया जाता है कश्मीरी में लखुत कहा जाता है उसे। आजाद लोल वोलई वतनस बरान लोला यम लोल गुल हरान क्या तहजन कथन मुबारक। तो फिर से आजाद साहब क्या कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा बंदा हूं, अपने बारे में बता रहे हैं, लोल वोला यानी कि ये मोहब्बत भरा एक शख्स है आजाद, यूस वतनस लोल बरान जो अपने वतन को मोहब्बत की नजर से देखता है। यम लोल गुल, लोल गल गए पोश, फिर से फूलों का जिक्र है, हरान क्या तहजन कथन मुबारक। और यहाँ के लोग जो है वो भी फूलों की मानत है और उनकी बातें उनका प्यार और उनका मोहब्बत वो भी मुबारक हो वतन को। तो अब्दुल्लाह आजाद से नजम लिखा, बहुत जबरदस्त नजम है। तो उसके बाद इस लेसन में जान है अब्दुल अहद आजाद उस मशहूर इनकलेबी शायर, कहा जाता है कि एक इनकलाबी शायर थे और बहुत जबरदस्त थे। तसंस शेरी से सटा मकबूल, उसकी शायरी जो है बहुत ज्यादा मशहूर है। आजाद उस रोहिंगिर जामुत, ये एक रोहिंगिर जगह है वहां पे पैदा हुए थे, रोहिंगिर जो बडगाम जिले अगाम और ये वहां पे पैदा हुए थे, बडगाम जिले का एक इलाका है। सजा कुनुशत ईस्वी कुनुशत अर्तजी ईस्वी मंज यम आलम, 1903 ईस्वी में पैदा हुए और 1948 ईस्वी में इस दुनिया से रहलत कर गए। गुड गुड अस तसंस शायरी लक्षण लक्षण किताबन मंज, पहले पहले छोटी छोटी किताबों में उसकी शायरी लिखी गई मगर छापना आमज। तसंदम मरनपत ओस तसुन सोरी कलाम या जन कुलियात आजाद चनाव किताब मंज छापना आमुद, उसके मरने के बाद उसका जो सारा कलाम है वो एक किताब की सूरत में आया कुलियात आजाद। आजादन लुख उर्दू जबान मंज कशिर शायरी हुन तारीख यथ कश्मीरी जबान और शायरी, उर्दू जबान में उसने एक एक्सट्रैक्ट लिखा जिसे हम कह सकते हैं कश्मीरी जबान के बारे में, और उसका नाम था कश्मीरी जबान और शायरी, उसका नाम था।
आजाद उस कशीर तो कशरन हुन सठा मोहब्बत, आजाद को कश्मीर और कश्मीरी लोगों का बहुत ज्यादा मोहब्बत था, मोहब्बत थी। म्यूनी वतन मुबारक से तसन मशहूर नज़म, और ये नज़म जो हमने पढ़ी यथ मस्त कशीर हुस्न तारीफ करमत, और यहाँ पे इस नज़म में, पूरी नज़म में कश्मीर की खूबसूरती के बारे में तारीफ की गई है। तो यहाँ पे होता है हमारा ये लेसन मुकम्मल, लेकिन उससे पहले कुछ अल्फाज मीनिंग देख लेते हैं। तोशन को खुश गसान खूबसूरत एमान बोज ने, रोश रोशे को रोशित, खुबे वतन को वतन मोहब्बत, लॉयल गुल को मोहब्बत एक पोश, यानी कि ऐसे पजन यथ वतनस मज मोहब्बत एक पोश हम चे तुम बजन फलरावन। तो त्रेश हद गए यम लोग यमन त्रेश लजमस आस, तो मरग गए बालस पेट सूत्र गास मैदान, जो मैं आपको बताया ये बड़े बड़े मैदान जो हैं उनके बारे में कहा गया है। तो यहाँ होता है हमारा आज का वीडियो मुकम्मल, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज होने के बाद।